Principal sahiba, basın speakers, mehmanan, students, meri behne, assalamu alaikum. Mazid updates ke liye GB True News. ST YouTube channel ko like kare, subscribe kare aur bell icon par zarur click kare. Taki hamari sari videos aap logo ko par waqt mil sake. Main is like to nahi tha ki yahan stage par khade hokar kuch aap unko pesh kar sakun, kuch bata sakun. Albatta jo hai na mujhe mere Air Force Pakistan ke liye mashkoor hoon, shukr guzar hoon ki unhone is like samjha aur yahan bulaya mujhe stage pe. चंद एक बातें कुछ बातें पहले से हमारे स्पीकर्स ने कर ली हैं. टाइम छुट्टी का टाइम क्या है और कोई स्पीकर है जब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 12 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, मैं बहुत लेट हो रहा था. मैंने पहले ही बताया था कि शुरू होगा तो मुझे जैसे ही जो थोड़ा सा इन पर टाइम दें. बहुत मुख्तसर करूँगा मैं, कोशिश करूँगा. मैंने 10 मिनट का जहन बनाया था, मैं उससे पहले कहूँ और करने की कोशिश करूँगा. चंद एक बातें हमारे मसले में हैं. मुझे एक दो वुमेन इंपावरमेंट और वुमेन डे के प्रोग्रामों में हमने कुछ अरेंज भी किया, हमने कुछ प्रोग्राम भी किए. एक दो जगह मैंने बोला कुछ बातें, कुछ हकाइक बोली तो कुछ खवातीन से मेरी दुश्मनी हो गई, बाद में मुझे बुलाना छोड़ दिया उन्होंने. तो कुछ हकाइक भी हम इस पर बात करेंगे और कुछ बातें करेंगे. उससे पहले एक लतीफ़ा सुनाऊँगा आप लोगों को इस आज के प्रोग्राम के हवाले से. जब भी वुमेन डे की बात आती है, वुमेन इंपावरमेंट की बात आती है, वुमेन की बात आती है, एक तरफा जो है ना एक पिक्चर पेश किया जाता है कि खवातीन पे बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादती हो रही है. और अल्लाह माफ़ करे, जो औरत मार्च और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ अभी शहरों में शुरू की, उसने बिल्कुल एक ऐसा शो किया कि औरत का हक है कि वो नौज़ुबिल्लाह जो है ना कुछ भी जिस्म पर डाले बगैर बाजारों में फिरे. और इस तरह का एक अलग एक बहुत गलत एक इम्पैक्ट उन्हें यहाँ पर डाला गया. तो हमारे यहाँ अलहमदिल्ला वुमेन एम्पावर्ड है. खुशन पाकिस्तानी कम्यूनिटी में हमारे पास कम्यूनिटी में जंगल में शेर की शादी थी. स्टेज सजा हुआ था, सारे लोग बैठे हुए थे. चूहा बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा था कि शेर की शादी है, शेर की शादी, यहाँ नाच रहा है, वहाँ नाच रहा है. आखिर में लोमी ने पूछे अब तुम्हें क्या हो गया, शादी शेर की है और खुश तुम हो रहे हो. तो उसने कहा मैं इसलिए भी खुश रहा हूँ कि शेर की शादी में, इसलिए खुश रहा हूँ कि शादी से पहले मैं भी शेर था. आपस में बातें ना करें, अगर आप आपस में बातें करेंगे तो ये फिर लंबी हो जाएगी तकरीर. आपकी छुट्टी का टाइम हो रहा है तो इससे आपको अंदाजा हो चुका होगा कि खवातीन हमारे पास एम्पावर्ड है. देखिए हमारे पास भरपूर एम्पावर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं तो अपने घर बार रिश्तेदारों में देखता हूँ कि भाई शादी की दावत करनी है, शादी से पहले किसी लड़की की दावत करनी है कि नहीं करनी है, माँ की तरफ से करनी है कि बाप की तरफ से, लड़कियों को दावत पर बुलाना है कि नहीं बुलाना है, किसको बुलाना है, दावत में क्या खिलाना है, शादी पर जाते हुए क्या लेके जाना है, लिफाफे में कितने पैसे डालने हैं, ये हमारी खवातीन डिसाइड करती है कि नहीं करती है. करती है. मैं यहाँ तकलीफ नहीं करूँगा, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सेशन में बुनियादी तौर पर थोड़ा सा जो है ना एक सोशल वर्कर हूँ. स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत ज़्यादा ताल्लुक रहा है. 350 मैंने केरल काउंसलिंग, फ्यूचर गाइडलाइन, स्टडीज के टाइम मैनेजमेंट पर लेक्चर्स दिए हैं जी बी के स्टूडेंट्स को अब तक. तो मैं थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सेशन रखूँगा, टाइम आपको इतना ही लूँगा. तो बताने का मकसद ये कि चंद एक और बातें हकाइक में आपसे इकरार कराऊँगा और फिर आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताकर स्टेज छोड़ूंगा. ज़माने जाहिलियत के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताया, चंद एक बातें मैं और बताऊँगा. ज़माने जाहिलियत में दो तीन चीज़ें होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो अभी भी हो रही हैं, खुसूसन ख़वातीन के हवाले से. ज़माने जाहिलियत में ख़वातीन को जिस तरह माल मवेशी होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका गोश्त खाते हैं, उनका दूध दोहते हैं, उनको बेचते हैं, खरीदते हैं, कारोबार होता था, वो आज भी हमारे माशरे में आ चुका है. खुसूसन हमारे इस्लामिक माशरा पाकिस्तान स्कर्दू के अंदर अभी ऐसे कुछ होटल्स खुले हैं जो बहुत महंगे हैं. हमने बहुत इंक्वायरी की, इस होटल में आखिर है क्या खास बात, वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारे हया और इफ्फत का जनाजा था वहाँ पे जिसकी ओके अंदर दे रहे थे. दूसरी चीज़, औरतों को जिंदा दफन करते थे, बेटियों को जिंदा दफन करते थे. और ये रसूलुल्लाह सल्लम ने ख़त्म किया. रसूलुल्लाह सल्लम का इंसानियत पर, सन नाजुक खवातीन पर, फीमेल जेंडर पर बहुत बड़े एहसान थे रसूलुल्लाह सल्लम के. वो किसी और दिन सही, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि जिंदा दफन करते थे. मेरी एक बेटी डीएचक्यू में भी उसकी डेथ हो गई, पहली बेटी. दूसरे प्रेगनेंसी पे हमने रिस्क नहीं लिया, मैंने बेगम को कराची भेज दिया, वहाँ उनकी माँ और बाकी फैमिली रहती थी. वहाँ हमने अल्ट्रासाउंड कराया, चौथे पाँचों महीने में जेंडर का पता चलता है, लड़का है कि लड़की है. मैंने पूछा क्या था जेंडर, कहते वो नहीं बता रहे. अगली दफा गए नहीं बता रहे, बाद में मैंने पूछा क्यों नहीं बता रहे आप जेंडर, कह रहे जब लड़की का पता चलता है तो उस बच्चे को गिरा देते हैं पेट से, कत्ल करते हैं. अब दूसरे पिक्चर में मैं कहता हूँ कि जब किसी बहू को, किसी बेटी को शादी होकर आती, बेटा नहीं होता,
उसको मार मार के घर से निकालने वाली कौन होती है? औरत होती है, सास होती है। जहेज नहीं लाया, जहेज एक बहुत बड़ी लानत है जिससे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, और पाकिस्तान में इस वक्त 1.5-2 करोड़ बच्चे बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हुई है। इसी तरह के रसूमात की वजह से, इसी तरह के फरसुदा जो है ना ख्याल की वजह से, जितना इस्लाम में कहीं मौजूद नहीं है। यहाँ पर मेरी बहन ने कहा कि हमारे रोल मॉडल, आप सब ने एग्री किया कि बी फातिमा है, हमारा रोल मॉडल कुछ और होता है और हम टीवी ड्रामा मीडिया उस पर देखते कुछ और है, उसको फॉलो हम किसी को करते हैं। जहेज ना लाने पर बहू को जो है ना गैस फट गया और जलकर मर गई करके मारने वाला कौन होता है? साथ में कौन शामिल होते हैं? सास के साथ कौन शामिल होते हैं? अंधे होती नहीं होते वो, आप ये सारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके अपने हैं। ये एक स्टेज है, ठीक है जी, शेक्सपियर ने कहा था एक स्टेज है दुनिया और हर पे अपना परफॉर्म रोल करता है। तो ये स्टेज पे जो है ना, अगर वुमेन राइट्स की बात करें, अगर किसी की भी वुमेन राइट्स की बात करें, तो ये सारा स्टेज। तो मैं सीरत पे कुछ बातें कर रहा था कि रज़ा हसन ने जो रिस्पेक्ट दिया, मैं शुक्र करता हूँ, मैं हमेशा शुक्र करता हूँ कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि रज़ा हसन की जो ना एक ही औलाद थी और वो बेटी थी। और मैं यकीन से कहता हूँ अगर उनके 10 बेटे होते हैं, बेटियाँ कम होती, तो मैं यकीन से कहता हूँ आज भी लोग बेटियों को जिंदा दफन करते हैं, और जो भी कर रहे हैं, जो कि कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं बेटियों को, और बिल्कुल कर रहे हैं, और ये सारा कुछ हमारे माशरे में आम हो चुका है, उसको साबित करके गिरवा देते हैं जब पता चलता है कि बेटी है दोबारा से, बेटी है दोबारा से। ये एक बहू के एक लड़की के अख्तियार में नहीं होता, ये खुदा के अख्तियार में और खुदा की तकसीम है, ठीक है। मसला ये है कि हमारे पास रसूल सब के अखबार और उस पर बहुत ज़्यादा बातें करें, तो उनकी सीरत में एक चीज़ मैं बताता हूँ कि वुमेन राइट्स और वुमेन एम्पावरमेंट की बात, वो रसूल है, नमाज पढ़ते हैं, नमाज को लंबी करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे के रोने की आवाज़ आती है तो वो नमाज छोड़ देते हैं, नमाज को मतलब मुख्तसर करते हैं ताकि उस खातून को जो है उनकी बेगम को तकलीफ ना हो। हजरतुल्विदा के मुकाम पर उन्होंने खवातीन के बारे में कुछ तौर पर फरमाया, बीवी फातिमा सलाम अलैहा की जो रिस्पेक्ट, जो इज्जत उन्होंने दी, शायद किसी बाप ने अपने बेटी की आज तक वो इज्जत और रिस्पेक्ट नहीं दी होगी। मसला हमारे पास अफराद और तफरीद है, एक तरफ बहुत ज़्यादा आगे इंपावरमेंट हो चुका है कि वो खातून ही जो ना इतनी मदर बिलर आज़ाद हो चुकी है, और एक तरफ जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, दरमियाना और मियानावी मियान नहीं आ रहे, एक तरफ पिसने की इंतिया है, और एक तरफ इतनी आज़ादी हो गई कि आपको ब्याहे को भी अपना राइट और इख्तियार समझते हैं। वायलेंस या इनकी ज्यादती या इनको पावर न देना, इसके 2-3 टाइप्स है। एक तो सॉफ्ट कंपोनेंट है, सॉफ्ट कंपोनेंट में तो रोज़ाना जो है ना घरों में खींचा तानी और टॉर्चर चलता रहता है, जहनी तौर पर तंज ताने और मुकाबले चलते रहते हैं। हार्ट में मार पीट, ये जो मैंने 2-3 मिसालें आपको दी कि मैं गैस फट गया और फलाना हो गया और स्ट्रोक हो गया, शॉर्टकट हो गया, वाली सारी चीज़ें। इसके अलावा कुछ एक चंद एक मिसालें जहालत की वजह से हैं, मतलब हमारी सोसाइटी में है। मैं मेडिकल क्लिनिक करता रहा, मैंने 3,500-3,000 पेशेंट्स को फूड स्टेस्ट पे गाँव देहातों में देखे हैं, उसमें 80-90% खवातीन होती हैं। उनसे मैं एक सवाल करता हूँ कि आपके कितने बच्चे हुए, तो कहते हैं मेरे 10 बच्चे हुए, 12 बच्चे हुए। 40 साल की एवरेज खातून ये कहती है। कितने मरे थे? 6 मरे 5 मरे। क्यों? क्योंकि उसको गजाइत नहीं मिली, उसको खाना नहीं मिला, उसको टाइम पे चीज़ नहीं मिली, उसका ख्याल नहीं रखा गया। एक औरत थी, उसने कहा कि मुझे गर्मा से खातून थी, जब मैं ज़रूर लेता हूँ प्रेगनेंसी इश्यू, औरतों में अभी इस वक्त जो है ना औरतों में एनीमिया, खून की कमी, अच्छा कैल्शियम की कमी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको वो खुराक में नहीं मिला, उनका उतना ख्याल नहीं रखा गया, उनको प्रेगनेंसी में देखा नहीं गया। वो जहालत की वजह से अमूमन ऐसे है कि ऐसे भी नहीं उनको मना किया गया हो, अगर मना करते हैं ना घर के अंदर, घर के अंदर बेटा और बेटी में तमीज़, घर के अंदर खाने के टेबल पर, मैं आपको चीज़ बताता हूँ, खाने के टेबल पर बेटे को अच्छी बूटी और बेटी को जो है बेकार बूटी कौन देती है? अफसोस के साथ बाप ने कभी इस बारे में कुछ कहा है? नहीं कहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी जहालत में हमारे अंदर बस चुकी हैं, आप आपस में कहने की बात ना करें, ठीक है, ऐसी जहालत में बस चुकी है, इन चीज़ों को चेंज करने की जरूरत है, इन चीज़ों को सोचने की जरूरत है। आप लोग हैं, आप वो ऑडियंस है जिन्होंने कल को माएँ बनने और आपने अपने बच्चों की परवरिश और अपने बच्चों को रिस्पेक्ट सिखाना है। और वो औरत मेरे पास आई, उसने ये कहा कि मैं हमल से थी और मैं खेतों में पानी दे रही थी, तो मुझे जो लेबर पेन आया, दरिल आया, तो मैं घर में गई, बच्ची पैदा हो गई, बच्चा मर गया, बच्चे को तो दफनाने के लिए मर लेकर कब्रिस्तान गए, और मैं वापस अपने खेतों में पानी देने के लिए। एक दूसरी औरत ने मुझे सुनाया, मैंने कहा आपने प्रेगनेंसी में ख्याल नहीं रखा, शिकायत की इस पर उन्होंने सुनाया कि मैं हमल से थी और हम लोग जो है वो चुली फटना था, चुली खुबानी का जो टाइम एक सीजन होता है जिस वक्त बहुत मसरूफियत होती है, तो हम वो कर रहे थे, दलील आया, बच्चा पैदा हुआ, उस दिन के अगले दिन
एक चोरों जो ने एक बास्केट खुबाने रखा, बच्चा इधर पढ़ा है वहीं पर मैंने हट डालने का काम शुरू किया। तो ये सब ठीक है ना, ये मैं ये कहता हूँ ये किसी मर्द ने मजबूर भी नहीं किया होगा, किसी मर्द ने उसको जबरी भी, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसकी अपनी जो ना कुर्बानियाँ थी। लेकिन ये सब एक तरह से जहालत में हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, वो अवेयरनेस किसके देने आप लोगों ने देना है। फिर औरत जात के एहसानात के बारे में कुछ बातें मैंने करनी थी, कुछ हो चुकी लेकिन बहुत मुख्तसर हुई, मैं टाइम की वजह से उसको छोड़ देता हूँ। अलबत्ता जो है एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो सब कहते हैं आप लोग कहते हैं जो औरत के राइट्स औरत की इंपॉर्टेंट भी कहते हैं कि औरत और मर्द बराबर है, बराबर है, बराबर है, मैं कहता हूँ कभी भी बराबर नहीं है, हो ही नहीं सकते। ये एक गलत कंसेप्ट हमारे अंदर डाला गया है, एक गलत कंसेप्ट डाला गया है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को, हर मखलूक को अपनी खुशियात और अपनी अहमियत और अपनी खासियत के साथ बनाया है। बराबर तो वैसे भी नहीं बनाया, हम 6 अरब लोग हैं आपस में, हमारे हर सब के ऑर्गन्स जिस्म के ऑर्गन्स सेम है, लेकिन हम एक जैसे एक दूसरे से न शक्ल में, न शबाहत में, न बिहेवियर में किसी चीज़ में एक है नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दो जिन्स हैं, इनके अपने अपने रोल, अपने किरदार। और मैं ये कहता हूँ कि आप मर्दों से बराबर नहीं है, बल्कि आप मर्दों से बढ़कर बरतर हैं, मर्दों के बराबर है सब नहीं, आपको मर्दों से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। आप अगर बराबरी का नारा लगाएंगे, आप बैंक में जाएंगे 50 मर्द खड़े, एक खातून आती है, आप मुझे बताएं कि हमारे सारे मर्द पीछे हटकर लेडीज फर्स्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, करना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ज्यादा इज्जत देता है, बराबर नहीं है। एक मर्द जो है बच्चा पैदा कर सकता है कभी, एक मर्द कभी जो है बच्चे की परवरिश कर सकता है, नहीं कर सकते। कदमों में जन्नत माँ के रखी गई कि बाप के रखी गई, दोनों के लिए बराबर क्यों निकाला है? इसमें बहुत सारी मिसालें, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मेरा वक्त खत्म हो चुका है, मैं वक्त ऊपर जा रहा हूं। आपको जब कहा जाता है पर्दे के बारे में तो आप कहते हैं कि भाई जो एक कल्चर निकाला कि पर्दे और घर में रहने का हुक्म शरीयत और इज्जत, देखो इंसान अपनी किस चीज को छुपाता है, कीमती चीज को छुपा के रखता है। आपकी कीमत मर्दों से कहीं ज्यादा, आप समझ नहीं रहे, इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि आप इन चीज़ों को समझ जाए, अल्लाह करे। तो दूसरी चीज़ जो ना आपको मैं आखिरी जो सपोर्ट करें, रोल आखिरी टॉपिक की 2-4 बातें इसमें मैं आपको कोशिश करूंगा कि वर्किंग लेडी को सपोर्ट कैसे करेंगे हम जो बाहर काम करने वाले खातून हैं। ठीक है जी, अफजल ये था कि घरों में रहे, एक ट्रेंड था, एक चीज़ थी, लेकिन जो है ना आप दौर और हालात के मुताबिक जो है ना इस्लाम ने भी अपने लिमिट्स में, हदूद में हर चीज़ की एक इजाज़त दी, एक स्ट्रक्चर बनाया है। मुझे मशरक़ और मगरब अलहमदिल्ला बहुत कम लोगों को शायद मौका मिले, मुझे भी इत्तेफाक से मशरक़ मगरब दोनों का, मुझे वादा के साथ सऊदी अरब में हज करने का भी मौका मिला, ज्यारतों का भी मौका मिला, और यूरोप भी जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। मैं आपको एक बहुत चीज़ आप सब के लिए पैगाम देता हूँ, मुसलमान मर्दों के लिए पैगाम देता हूँ, आपके लिए पैगाम दूंगा, आप अपने भाइयों को, आप अपने आने वाले नस्ल के बच्चों को, बेटों को ये पैगाम देने की ज़रूरत है। वर्किंग लेडी के लिए पूछूंगा कि वर्किंग लेडी अगर किसी ने शादी किया हुआ जॉइंट फैमिली में बीवी जाके काम कर रही, तो सबसे ज्यादा एतराज किसको होता है? सास को होता है। ठीक है जी, वो बताने लायक नहीं है। बस इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वर्किंग में सपोर्ट सबसे पहले आप अपना रोल आप देख लें, आप लोग समझ चुके होंगे कि बीइंग ए लेडी आपका क्या रोल है। उसके बाद इस्लाम ने एक उसूल बताया, इस्लाम दीन फितरत, इस्लाम ने हर चीज के लिए उसूल बताया है। इस्लाम ने वॉशरूम में जाने और निकलने और बैठने का भी तरीका आपको बताया हुआ है। खवातीन के कुछ खसूसियात जो मर्दों में अच्छे हैं वो खवातीन में बुरे, कुछ खसूसियात खवातीन में अच्छे हैं मर्दों में बुरे। मसलन तकब्बुर करना, गुरूर करना, हर किसी से सीधे मुंह बात ना करना, खवातीन के लिए इस्लाम ने अच्छी खसूसियात में गिना है। हर किसी से मुंह खोल के जहां आप बाजार में जाएं, शॉपिंग करने जाएं, आप गाड़ी में वैन के साथ जा रहे हैं, ड्राइवर के साथ चुंगम फोड़ फोड़ ठप ठप करते रहे आप ना आहा दो और गपशप करेंगे, तो ये आप वो आपके अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे। ये आपके वर्किंग लेडी आपके बाहर जाने में पाबंदियां लगाएगी, ये चीज आपके अपने ऊपर कर्तन लगाएगी। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज, आज के इस मौजू में अगर मैं ये बयान दे पाया तो इस्लाम ने दो चीजों को हुक्म दिया है। हमारे माशरे में अफरा तफरी मैंने पहले कहा, इस्लाम ने कहा कि खवातीन को पर्दा करें और मर्दों को कहा कि नजरें नीचे रखें, कहा कि नहीं कहा? मैं आपको बता था हमारे पास अफरा तफरी थे, सऊदी अरब में गया हूँ तो ठीक है पर्दे में खवातीन दूर दूर तक नजर नहीं आते, यूरोप में गया हूँ खवातीन ने, मैं शुक्र है कि मैं जो है ना मार्च में गया था, थोड़ी सी सर्दी थी, तो डॉक्टर मारिया है हमारे होस्ट है मेरे यहाँ पर आती है, सर कैम करती है, कुछ लोगों को पता भी है, उनकी दावत पर मैं गया तो उन्होंने कहा यार शुक्र करो कि तुम जो है ना अभी थोड़ा सा मार्च में आया, और ना तो गर्मी में हमारी लड़कियाँ जो है कुछ भी नहीं पहनती हैं। ठीक है,
लेकिन मैंने एक चीज नोट किया है, मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनकी सोसाइटी से, मैं बहुत हैरान हूँ उनकी सोसाइटी से कि ट्रेन में जाए, बस में जाए, ठीक है, जहां अगर जिस तरह से खातून आए मजा नहीं, किसी मर्द ने आंख उठाकर देखा खुदा की कसम खाए के, तो मैंने नोटिस किया पूरे यूरोप में। जो कि मैंने यूरोप में देखा है, ठीक है, यहाँ पर अगर कोई पढ़ते में भी हो तो कोई मर्द जो यहाँ पे एक्सरे करने पे तुले होते, ठीक है जी, मैं अफसोस के साथ कहता हूँ। तो ये हमारे पास जो ना यूरोप में मैंने ये चीज देखा, बस जहां देखा कि कुछ भी हो रहा हो, तो ये जो ना मत अपनी नजर में हया पैदा करे। और दूसरी चीज एक पर्सनल लेवल की बातें, और दूसरी चीज कानून साजियां, हुकूमत ने कानून साजियां बहुत की है, हुकूमत ने कानून साजियां की है, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उस पर कौन अमल दरामद करेगा। वो एक लंबी बहस है, खैर, कानून साजियां की है वर्क प्लेस में, हेरासमेंट में, मुख्तलिफ चीजें हैं। हाँ, मैं यून में होता हूँ, यून में इसके अपने रूल्स हैं, किसी को बुरे अल्फाज या बुरे निगाह, बुरे चीज से बात करने के कानून है, सजाएं पनिशमेंट से, अगर उन पर अमल दरामद हो तो हमारे पास जो है इंशाल्लाह बहुत कुछ इस सोसाइटी में हो सकता है। हम जाती तौर पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियाँ, एहसास जिम्मेदारी, और स्टेट जो है ना अपनी जिम्मेदारी अगर निभाए, और सबसे बढ़कर हम अपने रोल मॉडल का फैसला कर लें, मुनाफिकत हम छोड़ दें, और जो हमारा रोल मॉडल है हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, तो हमारा मशवरा इंशाल्लाह।